सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं बात करती हूँ कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा और उस दिन का पूजा विधि। और नई बहू बेटियाँ, कुछ लोग बहुत असमंजस में पड़े हैं कि मलमास लग रही है या अधिक मास लग रही है, तो क्या व्रत उठा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि अभी वट सावित्री मई में ही पड़ रहा है, तो मई में कोई अभी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास नहीं है, बिल्कुल उठा सकती हैं। मान्यता है कि अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो हर स्त्री को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। हर स्त्री चाहती हैं कि मैं सुहागन ही मरूं, तो ये वट सावित्री व्रत रखने से मान्यता है, पुराणों में दिया गया है कि जो भी वट सावित्री का व्रत रखता है वो सुहागने ही मरता है। तो बहुत सी स्त्रियां नहीं करती हैं, बट सबको करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ऐसा व्रत है जो अपने पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है। ये व्रत हमेशा ज्येष्ठ के अमावस्या को रखा जाता है। जो हमारी यूपी बिहार की जो स्त्रियां हैं और इधर की जो रिवाज है, वो अमावस्या को व्रत रखते हैं, और जो महाराष्ट्र की तरफ उधर रहती हैं वो पूर्णिमा को रखते हैं। तो पूर्णिमा 3 जून को है, तो जो भी पूर्णिमा का व्रत, जैसे वट सावित्री पूर्णिमा को पूजा करेंगे, वो 3 जून को व्रत रखेंगे। और जो भी हमारे यूपी बिहार में जो प्रचलन है, जो रिवाज है, उस अनुसार अमावस्या का व्रत रखेंगे, तो वो 19 मई को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। तो पूजा विधि तो जैसे पूजा किया जाता है उसी तरह से पूजा करते हैं। वट वृक्ष के सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। जो नई नई बहू बेटियां उठा रही हैं व्रत, वो मायके का ही सामान लेके उठाएं, उसी से पूजा करें। मायके से 16 श्रृंगार आएगा, पूजा का सामग्री आएगा, और उससे वो व्रत का अपना समापन करें। तो 19 मई को वट सावित्री पूजा है। मान्यता है कि सती सावित्री अपने पति को यमराज के मुख से भी निकाल लाई थी, तो हमारी भी बहू बेटियां, मैं आग्रह करूंगी कि सभी व्रत रखें। वैसे जो किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है, कोई व्रत कोई उपवास नहीं टाल सकता है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए कि अखंड सौभाग्यवती हम कैसे रहें। हर स्त्री चाहती है कि हम सुहागन ही मरे, अपने पति के कंधे पर ही जाएं। तो मेरी बहू बेटी या बहनें जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं, वो ज़रूर इस बात पर ध्यान दें, अमल करें। व्रत पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाता है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है। हम पाप कर्म करते हैं तो भी हमें मिलेगा, और पुण्य कर्म करते हैं तो भी हमें वो प्राप्त होगा। इसलिए हमें हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं पुण्य कर्म। और उस दिन वट सावित्री के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, फिर नए वस्त्र धारण करें, नया वस्त्र पहने सुंदर श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार माना जाता है कि 16 श्रृंगार किया जाता है उस दिन। सारी जेवर वगैरह सब पहनती हैं नई बहू बेटियाँ, बड़े उत्साह से, बड़े उत्सव से ये व्रत मनाया जाता है। तो इस तरह से आप तैयार होकर के पैर में रंग लगाएं, 16 श्रृंगार करें, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। पहले सूर्य भगवान का ही पूजन किया जाता है, तो सूर्य को अर्घ दें, तुलसी पूजन कर लें, घर के देवी देवता का भी। घर में अगर पहले ही पूजा नहीं कर सकते हैं तो दीपक जरूर जला दें। घर में पहले दीपक जला करके ही मंदिरों में जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें कि घर में एक दिया जला करके
फिर मंदिर जा सकते हैं। तो मंदिर जा करके आप पूजा वहाँ विधि पूर्वक करें। बट वृक्ष के नीचे मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो बट वृक्ष में पहले जल से सिंचन करें और फिर आप वहाँ सब सुलह श्रृंगार चढ़ाया जाता, अर्पित किया जाता है। बरगद का फली बनाया जाता है, आटा को गुड़ में गूंथ करके और गोला छोटा छोटा गोली जैसे बड़ का फल होता है उस तरह से गोली बना करके तल लिया जाता है, उसको ले जाते हैं और उसको अर्पित करते हैं। ताड़ का पंखा भी ले जाते हैं और सब सामग्री पूजा का सभी जानता है, रोली कुमकुम सिंदूर अक्षत माला फूल कलश इत्यादि जल सब लेकर के अपने घर से जाएं और विधि पूर्वक पूजा करें, फिर परिक्रमा लगाएं। अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा लगाना चाहिए और नहीं तो अपने हिम्मत के अनुसार 21-11 परिक्रमा लगाएं। बरगद का परिक्रमा लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन सत्यवान और सावित्री का भी पूजन किया जाता है, तो वहाँ हल्दी या चावल पीस करके उससे चित्र बनाया जाता है, बरगद के पेड़ में ही आकार बना करके उनका पूजन करें, परिक्रमा लगाएं और सात सुहागिनी का जरूर पूजा करके सिंदूर उनको लगा करके उनकी आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा बिना सुने कोई भी व्रत का पूर्णाहुति नहीं होता है, विशेष महत्व होता है, कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर किताब नहीं है तो वीडियो में मैं पिछले वीडियो में अपलोड करी हूँ कथा, जरूर चालू करके सुने और फिर मैं आगे भी कथा को बट सावित्री कथा मैं अवश्य डालूँगी, वीडियो चला करके सुन भी सकते हैं। किताब संभव हो तो खरीद लें, किताब भी एक औरत पढ़ती हैं और कई औरतें बैठ करके सुन लेती हैं, सुनने का फल ज़्यादा है पढ़ने से, पढ़ने के अपेक्षा कथा सुनने का होता है, कथा सुना श्रवण किया जाता है, इसलिए श्रवण करने का आदत होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो श्रवण करना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो व्रत इस तरह से ही करें और फिर घर में आकर के पति देवता का पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बूढ़े जो भी हों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत रखा जाता है, ये व्रत 3 दिन का होता है, सती सावित्री 3 दिन की व्रत रखी थी लेकिन अब 3 दिन का व्रत कोई नहीं रख सकता है, तो सिर्फ अमावस्या के दिन वही 1 दिन का व्रत अवश्य रखें। तो इस तरह से वट सावित्री का पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है और पति के लंबी उम्र होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक अवश्य करें और बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप लोग पूरा वीडियो अगर सुनेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा देख करके बंद कर देने पर कुछ समझ में नहीं आती है। मैं आप लोगों के लिए ही नया नया एक वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि हमारी सारी बहनें अच्छे से समझें और करें। जय श्री राधे राधे।